हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्विस कैसे क्रिएट करते हैं। आप चाह रहे हो अपना सर्विस क्रिएट करना, तो आप कैसे करोगे? तो मैंने यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट किया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सिस्टम सीटीएल, उसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। स्टेटस उसका तो माय सर्विस के नाम से मैंने क्रिएट किया हुआ है, माय सर्विस। ये देखिए अभी इन एक्टिव मोड में है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए कमांड होती है सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, उसके बाद माय सर्विस। अब स्टेटस चेक कर लेते हैं दोबारा। ये देखिए हमारी रनिंग होगी। इसको क्रिएट कैसे करते हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उसकी स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद उसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी। मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट तैयार किया है टेस्ट सर्विस के नाम से, और इसको मैंने प्लेस किया है यूज़र बिन के अंदर में। ये स्क्रिप्ट क्या कर रही है? सिर्फ ये हमें बताएगा, ये हमें डेट और टाइम के साथ बताएगा कि ये सर्विस हमारी कब स्टार्ट हुई है। और इसको मैंने परमिशन दिया हुआ है, एग्जीक्यूट की परमिशन दिया हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, एक यूनिट फाइल क्रिएट करना पड़ेगा और हमें सर्विस डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है लिब सिस्टम डी, उसके बाद यहाँ सिस्टम के अंदर में माई सर्विस डॉट सर्विस के नाम से क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद मैंने इसको कॉपी करके ETC सिस्टम डी और सिस्टम के अंदर में रखा हुआ है। आप चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा पाथ रहा। और यूनिट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने माई सर्विस डॉट सर्विस के नाम से जो यूनिट फाइल क्रिएट किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है यूनिट के अंदर में, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सर्विस डिफाइन करनी पड़ेगी, टाइप मैंने यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पाथ देनी पड़ेगी कहाँ से स्क्रिप्ट रन करेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बिन बेस से चलाया हुआ है और यूजर बिन के अंदर में रखा हुआ है स्क्रिप्ट, तो उसका पाथ दिया हुआ है मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे मल्टी यूजर टारगेट पे चलाया हुआ है, उसका यहाँ पे पाथ डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे चलानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे परमिशन सेट करनी पड़ेगी। सर्विस की जो परमिशन हमारी होती है 644 होती है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है सर्विस को स्टार्ट करना और एनेबल करना, ताकि हमारा बूट टाइम में भी वो स्टार्ट हो जाए। अगर आपको सर्विस को स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कमांड होती है सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, उसके बाद सर्विस का नाम। तो यहाँ पे मैंने माय सर्विस दिया हुआ है। उसका स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे स्टेटस डालना पड़ेगा, उसके बाद सर्विस का नाम। एनेबल करनी होगी तो यहाँ पे एनेबल, उसके बाद सर्विस का नाम। अगर आपको स्टॉप करनी है तो यहाँ स्टॉप, उसके बाद यहाँ पे सर्विस का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस दिखा दिया, ये रनिंग है, ठीक है। अब मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ स्क्रिप्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैं एक स्क्रिप्ट पहले से तैयार करके रखा हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ। तो मेरी बात है कैट USR बीन, उसके अंदर में मैंने बनाया है टेस्ट हाइफन सर्विस के नाम से बनाया है। ये देखिए स्क्रिप्ट हमारी रही, ठीक है। इसको मैंने प्लेस किया है सिस्टम डी के अंदर में, सिस्टम के अंदर में प्लेस किया हुआ है। तो उसको मैं पाथ दिखा देता हूँ, CD ETC सिस्टम डी, उसके बाद सिस्टम, यहाँ पे एलएस करते हैं। ये देखिए मेरी सर्विस यूनिट फाइल है और इसको मैंने क्रिएट किया है माई सर्विस डॉट सर्विस के नाम से। इसको मैं कैट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी फाइल, ठीक है, ये हमारी स्क्रिप्ट की पाथ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ। तो उसके लिए कमांड होती है सिस्टम CTL, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पे सर्विस का नाम। तो हमारे सर्विस का नाम क्या है? माय सर्विस। ठीक है, ये स्टार्ट होगी। अब उसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है सिस्टम CTL, उसके बाद स्टेटस, उसके बाद यहाँ पे सर्विस का नाम माय सर्विस।
ये देखिए हमारी स्टार्ट होगी और यहाँ पे हमारा डेट टाइम दिखा दिया, ठीक है, कब स्टार्ट हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।